हमारी अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर बना है इन चार मेजर लेयर से, जिसमें सबसे पहली एंड अपर मोस्ट लेयर है दी क्रस्ट पार्ट वेयर वी लिव। ये लेयर बाकी लेयर से कंपैरेटिवली थिन होती है। ऑल्सो ये ब्रिटल इन नेचर होती है एंड इजिली ब्रेक हो जाती है। इट कंटेन्स सॉलिड रॉक्स एंड मिनरल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट्स में क्रस्ट की थिकनेस 30 से 50 किलोमीटर तक होती है। ये मेनली ग्रेनाइट एंड सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है। ओशन के नीचे इसकी थिकनेस 5 से 10 किलोमीटर तक होती है एंड ये बेसाल्ट से बनी होती है। क्रस्ट के बाद नेक्स्ट लेयर है दी मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक फैली है। मेंटल के अपर पार्ट एंड क्रस्ट को मिलाकर बोलते हैं लिथोस्फेयर। मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अपर मेंटल को बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर, जिसकी मीनिंग है वीक, एंड इसी वीकनेस के कारण मैग्मा वोल्केनिक एरप्शन के टाइम सरफेस तक आ जाता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी अर्थ सीस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट लेयर है कोर, जो कि निकल एंड आयरन से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इस लेयर को नाइफ लेयर भी बोला जाता है। दिस लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू इनर कोर एंड आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, जिसकी डेप्थ है अराउंड 2200 किलोमीटर। अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है दी इनर कोर। इस लेयर में हाई प्रेशर होने के कारण इसमें प्रेजेंट निकल एंड आयरन एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हुए भी सॉलिड स्टेट में रहते हैं। डेप्थ ज्यादा होने के कारण इस लेयर के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।